गीता स्टूडेंट्स, रत्न सेन सर, प्रभावती मैम, अनन्या मैम, सब टीचर्स को और बच्चों को, सबको मेरा प्रणाम। तो 30 seconds साइलेंस इनवोकिंग द डिवाइन बिफोर वी बिगिन। गीता स्टूडेंट्स के सामने गीता के बारे में कुछ भी बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत मेरे में नहीं है। फिर भी मैंने अपने आप को चैलेंज करके यहाँ बैठी हूँ। ऑल दो यहाँ बैठना आप लोग को चाहिए, राइट? तो फिर भी देयर इज़ जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। आई एम श्योर यू ऑल नो इट, बट जस्ट अ रीइटरेशन इन अदर वर्ड्स मे बी। तो शीर्षक आज के टॉपिक का है, वो क्या अर्जुन का प्रश्न था जो गीता उत्तर में मिली। सो किरीट अंकल ऑलवेज यूज टू टेल मी कि इट वॉज अ मोमेंटस क्वेश्चन, इट वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मस्ट हैव बीन सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अर्जुन आस्क्ड, दैट इन आंसर कृष्णा हैड टू रिसाइट द होल गीता। हाउ इम्पॉर्टेंट दैट क्वेश्चन मस्ट बी। Has anybody, any one of you ever thought about it? कि वो क्या था? What was that मूल प्रश्न क्या था? मैम, आपने आपसे ही सुना था इसके बारे में 2 से 3 साल पहले कि अर्जुन जी का मूल प्रश्न ये था कि इतना हिंसात्मक जो यह युद्ध हो रहा है, क्या यह भी उतना ही प्योर और उतना ही सिनलेस हो सकता है आपके जो मैं कर्म आपको अर्पित कर पाऊँ, मतलब एक पवित्र कर्म क्या ये हो सकता है, क्योंकि देखने में तो ये बहुत घोर लग रहा है और हिंसात्मक लग रहा है। तो उन्होंने पूरे युद्ध के लिए नहीं पूछा था, अर्जुन ने अपने लिए पूछा कि कैन व्हेन आई टेक पार्ट इन सच अ ब्लडी एंड सैंग्विनरी वॉर एंड आई डू सच एक्शंस, ऐसे एक्शंस करने के बाद भी विल आई रिमेन सिनलेस, विल माई एक्शंस रिमेन सिनलेस, विल दे स्टिल बी डिवाइन एक्शंस, गेट इट राइट चिल्ड्रन? What an important question it is. तो इसके आंसर में गीता मिली थी उनको, राइट? अब आई वॉन्ट टू आस्क द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ द गीता, क्या अर्जुन और सब टीचर्स से भी, क्या अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म भूल गया था? मैम, ही फॉरगॉट एंड मैम ही सेड दैट मैं अब लड़ाई की फील्ड छोड़ के मैं बस जा रहा हूँ, मैं मुझे तीनों लोगों का राज मिल जाए मुझे स्वीकार नहीं है। और उसने ये भी बोला था कि वो भीख मांग के रहेगा लेकिन वो लड़ेगा नहीं। अच्छा, निश्चित रूप से अर्जुन क्षत्रिय धर्म जो होता है वो भूल चुका था, मोह माया में पड़ा था। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चा पलायनम दान मीश्वर भावस छात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का कर्म होता है कि युद्ध से पलायन न करना, वो युद्ध से पलायन कर रहा था। भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं तो वहाँ पर प्रण करते हैं कि निश्चरहीन करहुं मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। हम क्षत्रिय बन मृगया करहीं तुमसे खल खोजत बन फिरहीं। तुम्हारे जैसे राक्षस को मैं खोजते फिर रहा हूँ, मेरा कर्म है, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे निश्चरों का विनाश करना है, ऐसा भगवान श्री राम परमात्मा स्वयं कहते हैं। तो मुझे तो लगता कि अर्जुन भूल गया था कि मैं क्षत्रिय हूँ, वो मेरा कर्म क्या है, वो अपने मार्ग से भटक रहा था, उसे उसी मार्ग पर चलना चाहिए था जहाँ वो खड़ा था, जिसके लिए वो बरसों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, तुम जिसकी तैयारी कर रहे थे उसको छोड़ करके फिर भग रहे हो। तो मेरे विचार से मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। ठीक है, कालिदास रघुवंशम में लिखते हैं कि जब कामधेनु को बाघ खाने आता है और राजा दिलीप उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो वे कामधेनु को बचाते हुए शेर को मारने को तैयार होते हैं और कहते हैं, छत्राति उदग्र कलस्य क्षत्रिया, छत्रात त्रायते, जो छत से त्रायते, छत त्रायते इति क्षत्रिया, जो नाश होने से बचाता है वह क्षत्रिय है। तो शेर कहता है कि फिर तो मेरी भी रक्षा होनी चाहिए। तो राजा कहते हैं, दिलीप हाँ, तो आप मुझे खाकर अपना भूख मिटाइए, आपकी भी रक्षा होगी और कामधेनु की भी रक्षा होगी। दरअसल
मोह में अंधा कहना अर्जुन को उचित नहीं है। अर्जुन ज्ञानवान हैं और भगवान शिव की तपस्या करके उन्होंने कई विद्याएं, अस्त्र विद्याएं, शास्त्रास्त्र विद्याएं हासिल की हैं। दरअसल वह उस विनाश को देख रहे हैं, जो प्रभु उन्हें दिखाते हैं वह वो नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि उन्हें जो सांसारिक और लौकिक विनाश है वह उन्हें दिखाई दे रहा है, और क्षत्रिय धर्म निभाते हुए वह उस लौकिक विनाश से धरती को बचाना चाहते हैं। जैसा कि धर्मवीर भारती ने अंधा युग में लिखा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि युद्ध एक ऐसा संघर्ष है जहां सभी सिर्फ हारते हैं, विजयी नहीं होता है कोई। जैसा कि हमने देखा कि हस्तिनापुर का साम्राज्य प्राप्त करने पर भी युधिष्ठिर प्रसन्न नहीं हैं, और वे राज्य सौंपकर परीक्षित को और स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करते हैं। तो एक मनुष्य के रूप में अर्जुन उस विभीषिका को, उस धरती के और इंसानी विनाश को देख रहे थे, वह नहीं देख पा रहे थे जो श्री कृष्ण उन्हें दिखाने वाले हैं। तो श्री कृष्ण ईश्वर हैं और अर्जुन मनुष्य हैं, अर्जुन मनुष्य के रूप में अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे थे। बहुत सुंदर जवाब दिया किरण मैम। एक्चुअली स्पीकिंग सबके जवाब सही थे अपनी अपनी जगह, बट हम लोगों के हिसाब से अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म नहीं भूले थे। अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पूरा बोध था, बट जैसा किरण मैम ने कहा, क्षत्रिय धर्म होने के बाद भी ये तो आपके अंदर बोध हो सकता है कि इतना विनाश मुझे नहीं करना है। तो इट वॉज, उन्होंने जैसे किरण मैम ने बहुत सुंदर से कहा कि उन्हें लोक में जो ये विनाश होने वाला वो दिख रहा था, पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं जो डिवाइन विल थी उसका उनको बोध नहीं था। बट क्षत्रिय धर्म वो कभी भी नहीं भूले थे एट ऑल, ही हैड नेवर फॉरगॉटन कि उनका क्षत्रिय धर्म क्या था, राइट? फॉर द टाइम बींग वील बिलीव दिस एंड देन वील गो ओवर द क्वेश्चंस अगेन। युद्ध में भाग न लेने के लिए अर्जुन के कौन कौन से तीन तर्क थे? एक तर्क, पहला तर्क क्या था? फर्स्ट तर्क, पहला तर्क ये था कि दुनिया में वर्ण संकर लोग होने लग गए। तो थर्ड तर्क था, उनका एक तर्क ये भी था कि वो पाप करेंगे। हाँ, कि मैं इतने सब अपने स्वजनों का विनाश करूँगा, उससे मुझे कैसे सुख प्राप्त होगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब संपदा, ये सब राजा, इन सब की मुझे आकांक्षा नहीं है। वर्ड्स मालूम हो संस्कृत का तो सुना दो। हाँ, दूसरा तर्क क्या था? अभी आप लोगों ने कोई ने बोला था, अर्जुन को लगा, उसने श्री कृष्ण को कहा कि आखिर हम भी लड़ाई करेंगे तो हम उन्हीं के स्थल पे गिराएंगे, कि वो भी लड़ाई कर रहे हैं हम भी लड़ाई कर रहे हैं, मगर असलियत में लड़ाई के पीछे एक कारण होता है और उस कारण को देखते हुए, जैसे अभी भी सिपाही लड़ाई करते हैं हमारे बॉर्डर पे, तो वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यही तो सेकंड तर्क था कि कौरव तो अचेत हैं, दे आर अनकॉन्शियस, दे आर बिहेविंग इन इग्नोरेंस, सो दे आर रेडी टू फाइट, बट आई एम इन फुल चेतनता, वाई शुड आई किल देम, राइट? दैट वॉज ए सेकेंड तर्क। तीसरा तर्क क्या था? वर्ण संकर होगा, है ना, कुल धर्म नाश होएगा। वो कौन सा मूलभूत तत्व था जो अर्जुन के विचार में आया ही नहीं? दुर्योधन राजा बन जाता है तो फिर प्रजा का क्या होगा? अगर अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि मैं युद्ध ना करूं और दुर्योधन राजा बन जाए तो प्रजा का क्या होगा, ये अर्जुन सोच ही नहीं पा रहे कि प्रजा का क्या होगा। नहीं, ये मूलभूत नहीं है, ये तो लौकिक तत्व है कि भाई ही इज नॉट इवन थिंकिंग कि व्हाट विल हैपन टू द प्रजा अगर दुर्योधन राजा रहेगा, ये तो मूल बात नहीं है। मूल बात क्या चीज एस्केप कर रही थी अर्जुन को? उसे तीन तर्क दिए, उसने एक बार भी बात किया अबाउट द डिविनिटी, अबाउट गॉड, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इनसाइड हिम, एक बार भी? तो ये क्या बात है, एट व्हाट लेवल इज ही टॉकिंग? दैट इज व्हाई श्री कृष्ण गॉट सो एंग्री ऑन हिम, है ना? श्री कृष्ण ने उसको बोला ना, क्या क्या बोला? हाँ, मुक्लैवियम तो बोला, बिकॉज हाँ, बट ही वॉज ऑल्सो
हाँ, बिकॉज ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ द डिविनिटी, इज नॉट टॉकिंग ऑफ द हायर परा प्रकृति, छोड़ो, इज नॉट इवन टॉकिंग ऑफ द डिविनिटी विद इन हिमसेल्फ. तो वो मूलभूत बात तो कुछ बोली नहीं और लौकिक बातों में खाली उलझा हुआ है, इसलिए कृष्ण से डांट खाई उसने. आई ना बात समझ में? ठीक है, अब समझ में आ गया अर्जुन की मूल दुविधा क्या थी. दिस कनेक्ट्स टू वो क्या अर्जुन का प्रश्न था जो गीता उत्तर में मिली. उसकी मेन दुविधा क्या थी? अर्जुन मोहग्रस्त थे. हाँ, तो उन्हें वो मतलब वो मोह में हर चीज, वो जैसा आपने बोला डिविनिटी को भूल रहे थे अपनी, तो उनकी मेन दुविधा यही थी कि उन्हें वो मोहग्रस्त थे. मोहग्रस्त होने के कारण उनकी दुविधा मेन क्या थी? मैम दोस्तों, अर्जुन की सबसे मेन जो दुविधा थी वह ये थी कि वह अपने गुरुओं को नहीं मारना चाह रहे थे. उनको ये लगता था कि मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरा पूरा परिवार, मैं उन सभी का नाश कर दूंगा अगर मैं ये युद्ध लड़ूं. क्यों नहीं मारना चाह रहे थे? उसके आगे बढ़िए, क्योंकि उनको क्या लग रहा था अगर मार देंगे तो क्या होगा? पाप. उनको वो जो मैं था वो बोल रहा था मैं पापी बन जाऊंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ. तो उनका मूलभूत प्रश्न क्या था? इसकी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ. उन्होंने डिविनिटी का सोचा ही नहीं, बोला कि जो ये कर रहा हूँ सोच रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो मैं अधर्मी बनूंगा और सब कुछ मेरे ऊपर आएगा. तो ही वाज फुल ऑफ हिमसेल्फ कि तो, मैं ही हूँ. हाँ, तो मूलभूत जो प्रश्न, मेन क्वेश्चन दैट यू ऑल शुड ऑलवेज रिमेम्बर वाज दैट इफ आई टेक पार्ट इन सच अ सैंग्विनरी एक्शन, इफ आई डू सच अ ब्लडी एक्शन, then can these actions still be sinless? Can these actions still be divine? Can these actions still be perfect? क्या ये पूर्ण हो सकते हैं? हाँ, क्या ये दिव्य हो सकते हैं ये actions? If I'm doing such bloody sanguinary actions, this was the question that elicited the Gita. कोई any questions? Because this is a question that you all should remember. The main question that elicited the Gita was that if I take part in such an action, can my action still, will my action still be sinless, perfect and divine? Right? Do you remember what all actions he had to do which seemed absolutely wrong? His killing of Karna, his killing of Guru Dronacharya, and his killing of Bhishma Pitama. So, अगर हम moral lens में देखें तो ये सारे actions wrong हैं. But did he become a sinful person? Why he didn't become a sinful person? Was it because he was practicing the Kshatriya dharm, इसलिए it was not sinful? Ma'am, his actions were not sinful because his intention was right behind doing them. No, my dear. He was the instrument through which the divine will was being. Yes, very good. Can we clap for Rupsi ma'am? His actions were not sinful. Why? Because he had become a pure instrument through whom the divine's will was just taking, the action was being done through him. It was not from his own zehen. Unki zehen mein se nahi aa raha tha. It was a will of the divine and it was being manifested through him. He had become such a pure instrument. What is written in your classroom boards on top on which you meditate? There is a divine will which wants to manifest itself in physical life. Our aim is to discover that divine will and work for its manifestation in physical life. Yes, this is the bottom line of the Gita. And this is what Sri Krishna was trying to take Arjun towards, which took so many chapters of the Gita, that Arjun jo mohgrast tha, wo Arjun jo kshatriya dharm yaad tha, wo jo Arjun itna mohgrast tha shuru mein, usko dheere dheere swabhav, swadharm, kitne sare concepts sikhate, Sri Krishna took him to the point where he became that perfect instrument through whom Sri Krishna's will was directly manifested without deviation, without corruption, through Arjuna. Arjuna became that perfect bow which was in the hands of the archer Krishna. And Krishna was shooting the arrow
एंड द एरो वाज गोइंग स्ट्रेट टू द मार्क. सो बो की कोई गलती है इसमें? बो कोई सिन कर रहा है? नहीं कर रहा है ना. We cannot just say that it was Mohavritti. It was also Ahamvritti inside him. Yes, very good. Can we clap for him? Very good. क्या था उसको अहंकार? Ma'am, that this is mine. ये मेरा है. नहीं, कि ये मेरा action है. पूरी बात बोलो. कि मैं मारूंगा. तो उन्होंने बोला तुम नहीं मार रहे हो. ये तो मैं पहले ही सारा कर चुका हूँ. It is now being manifested on earth. मैम उन्होंने यही कहा था कि मैं मारूंगा आखिर इनको तो मुझे पाप लगेगा. हाँ, right, very good, excellent. Arya. Ma'am, it is aham also, ma'am, because ma'am he thought, ma'am, that these people are his and no. That was Moh. Yes, ma'am. मेरे स्वजन है, मैं अपने स्वजनों को मार रहा हूँ. Ma'am, but aham, ma'am, largely creates Moh. Ma'am, like. If I think this is mine, this is mine, this is mine, ma'am, then it will create more. Ma'am, but it starts from aham. Yes, aham is what? Ahankar, ego. Yes. That I'm going to be killing all of them. That was the ego. And that created also the moh, ki mere swajano ko main marunga. Right? Clear? To Arjun ki mool duvidha samaj mein aa gayi? Kya thi mool duvidha hai Arjun ki? Ki main agar ye hinsa karunga, in sab ko marunga, to mujhe paap lagega. तो क्वेश्चन क्या था? इतना पाप युक्त हिंसात्मक युद्ध करके सैंग्यूनरी और ब्लडी ये जो युद्ध है इसको करके भी मैं कैसे उतना ही सिनलेस रह सकता हूँ? Yes. और मैं ये कैसे ये हो सकता है कि ये काम भी दिव्य कर्म हो? हाँ, और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया? श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम मेरे परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब पूर्ण एक सचेतन माध्यम बन जाओगे तो तुम नहीं करोगे, वो मैं ही करूंगा और वह काम दिव्य होगा ही. और वो काम एनीवे मैं ही कर रहा हूँ. हाँ, बट अगर तुम्हारी चेतना कॉन्शियसनेस गेट सीटेड इनसाइड मी देन यू विल बी एबल टू सी दैट द वर्क इज बीइंग डन बाय मी. दैट्स द सेकंड स्टेप ऑफ कर्म योग इफ यू रिमेंबर, राइट? ठीक है, ये तो वी हैव गॉन थ्रू द अर्जुन का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों फटकारा, ये भी हम लोगों ने कर दिया है कि वो मोहग्रस्त हो गया था, अहंकार में भटका हुआ था, है ना. एंड मेन बात, मूलभूत बात क्या भूल गया था? दिव्यता को. दिव्यता की तो उसने मेंशन ही नहीं करी, राइट? तो उसकी क्या क्या दुर्बलताएं बताई ये अपने लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है. गीता का मूल तत्व क्या है ये भी अपने लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना. ठीक है, द बॉटम लाइन क्या है गीता की? That we have to become perfect. Yes, and for becoming perfect instruments, what all has to become perfect? All our beings. Yes. Physical, vital, mental, and spiritual. Psychic to already perfect. Already perfect. So physical, vital, mental, and mental have to be perfected with the help of the psychic. ठीक है ना? श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार में क्या अंतर था? श्री राम भी अवतार थे, श्री कृष्ण भी अवतार थे. इन दोनों के अवतार में what was a new thing that श्री कृष्ण was getting? Every अवतार is evolutionary, this we know ना, कि पहले मत्स्य आया, फिर ये आया, फिर हर अवतार brought evolution to the next level and the next level and the next level. तो श्री कृष्ण ने क्या लाए evolution में जो श्री राम के अवतारहुड में नहीं आया था उसके आगे? इसमें जब प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया तब वे एक मर्यादा स्थापित किए. जब उन्होंने अवतार लिया तो उनके जीवन में हर एक कर्म में हमें मर्यादा दिखाई दी. लेकिन वहीं जब हम श्री कृष्ण जी की बात करते हैं तो उन्हें पूर्ण अवतार भी कहा जाता है. यानी उन्होंने ये भी हमें दर्शाया कि मर्यादा के पार भी, या ऐसे कह लीजिए कि हर कर्म भी हमारा उससे एक जुड़ा हुआ कर्म हो सकता है. यानी एक कर्म जो तुम्हें देखने में भले ही लग रहा हो कि ये मर्यादा से कुछ भिन्न है, जैसे युद्ध में भी उन्होंने कितनी नीतियों का प्रयोग किया, लेकिन एक कर्म जो सामान्य व्यक्ति के लिए शायद एक ऐसा कर्म दिखाई दे कि ये तो छल कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन वास्तव में उसमें भी कृष्ण का कृष्णत्व विराजमान है, स्थापित है. तो उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए मर्यादा के परे जा करके क्या लाए? दैट व्हाट वी हैव टू इम्बाइब. व्हाट डू वी हैव टू इम्बाइब फ्रॉम कृष्णा? Which is more than what we have learned from Sri Rama. To become the perfect instrument. To become the perfect instrument of the divine will. And when that we become the perfect instruments, it may, the action that may come out of us may not be as per the human standards. They may be
beyond the human standards. What is counted in the human moral grounds, it may go beyond. But we must remember that we may be talking of all this, but first we have to seat ourselves in that Maryada Purushottam ka stature to say that we have, hum usko lang sakte hain. But abhi hum jis stature mein, usme hum soche ki hum, that will be like superseding. Maryada Purushottam Ram, Ram Rajya ki sthapna ka adarsh prastut karte hain. Wahan व्यक्ति के उन्नयन के लिए उस राम राज्य में पूरी सामाजिक स्थिति का उत्थान है, लेकिन कृष्ण का जो समाज है वो राम राज्य का समाज नहीं है, उसमें कई तरह की कुरीतियाँ आ चुकी हैं. तो इस कुरीतियों वाले समाज में, इस द्वंद्व में, इस कलह में, इस छोटे मोटे षड्यंत्रों के माहौल में एक व्यक्ति कैसे इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, एक व्यक्ति कैसे अपना उत्थान कर सकता है, एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से कैसे समझे कि आत्मा और शरीर दो अलग बातें हैं. आत्मा उस स्पिरिचुअल डिवाइन से आती है हमारे शरीर में और अंततः उसी में मिल जाती है ऊर्जा के रूप में. ये स्पष्टीकरण कृष्ण के यहाँ मिलता है, ये स्पष्टीकरण राम के यहाँ समाज की अवधारणा है, आदर्श की अवधारणा है. लेकिन जब विनाश की स्थितियाँ हो उसमें व्यक्ति कैसे अपना धर्म बनाए रखे, ये हमें कृष्ण सिखाते हैं. दूसरा जो हमें एक लगता है व्यक्तिगत रूप से, मेरा व्यक्तिगत मत है कि कृष्ण स्त्री की बहुत इज्जत करते हैं. गोपियाँ उनके साथ नृत्य कर सकती हैं, गोपियां राम के साथ नृत्य नहीं कर सकती हैं. जी थैंक यू. कि श्री राम और श्री कृष्ण जी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जाए तो श्री कृष्ण जी क्लेवर हैं, श्री राम जी जो है वो धर्म का हमेशा पालन करते हैं. श्री राम के रूप में हमें विष्णु जी ने ये सिखाया है कि हमें मर्यादा में रहना है, पर श्री कृष्ण जी ने हमें ये भी सिखाया है कि हमें कभी कभार मर्यादा के बाहर भी जाकर लड़ना पड़ता है. जैसे समझ लीजिए कर्ण को उन्होंने निहत्ता मारा था, अर्जुन से मरवाया था उन्होंने, कहा था. लेकिन हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऐसे राम जी ने भी किया था बाली के साथ. दरअसल कि बाली दरअसल उस समय सुग्रीव से युद्ध कर रहे थे और पीछे से राम जी ने उन्हें मारा था. अब राम जी ने हमेशा अपने आप को एक नियंत्रण में रखा. श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपको कभी कभार तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा ये देखना होगा कि आपको हमेशा मर्यादा में रहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो. मर्यादा का एक नियम होता है, मर्यादा के बाहर अगर आप कभी कभार निकलना पड़ता है. जैसे अगर कोई पापी, उसने बहुत पाप किए हैं और अब हम उसे हराना है, आपको बुराई को अगर आपको हराना है तो आप अपने सीमा में भी रह के कर सकते हैं और उससे बाहर के भी जा सकते हैं. यही विष्णु जी ने हमें राम और श्री कृष्ण के अवतार में सिखाया है. एक बात बोलूं, श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अगर कोई अपने इतनी गलतियां कर रहा है या इतने सिंस कर रहा है तो आप अपने नियम के बाहर जाके करिए. नहीं, श्री कृष्ण ने कहा अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तब अगर आपको डिवाइन विल सुनाई दे रही है, क्लियरली समझ आ रहा है कि इट इज़ द डिवाइन विल, देन यू कैन ब्रेक द समाज के नियम. इसलिए अपने स्कूल में हम लोग बार बार बोलते हैं कि वी हैव टू ट्राई एंड परफेक्ट आर सेल्फ सच दैट वी आर एबल टू हियर व्हाट इज़ द डिवाइन्स विल फॉर अस. क्योंकि हमारा माइंड तो जब हम अपसेट होंगे किसी से तो माइंड बोलेगा श्री कृष्ण ने बोला है ना, हम अब नियम तोड़ के कर सकते हैं. ना ना ना, हम नियम तभी तोड़ सकते हैं इफ़ इट इज़ द डिवाइन्स विल फॉर अस टू ब्रेक द रूल्स. ठीक है अगर यहीं से शुरू करते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण, पहला तो है कि यहाँ पे एक युग का अंतर है. हम बोलते हैं ना एक जेनरेशन गैप होता है, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में कितना अंतर आ जाता है, यहाँ तो पूरा एक युग का अंतर है. और एक युग के अंतर में कितना बदलाव आता है, तो उस समय के जो युग धर्म था, रामायण के समय के युग धर्म जो था और यहाँ द्वापर युग का जो युग धर्म है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. श्री राम
जैसे हम ये भी कहते हैं कि श्री राम और रामायण को अगर देखा जाए, महाभारत को देखा जाए, रामायण में जो सरलता है, जो भाव है, हृदय का जो भाव है, वो महाभारत में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि रामायण अगर भारत का हृदय है तो महाभारत उसका मस्तिष्क है। यहाँ हम इंटेलेक्ट को देखते हैं महाभारत में, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ श्री कृष्ण ने कोई मर्यादा तोड़ा है। श्री कृष्ण ने भी अपना युग धर्म जो था उसको निभाया है, जैसे श्री राम ने अपना युग धर्म निभाया, श्री कृष्ण ने भी निभाया, तो तरीका अलग था। अगर श्री राम को ये बोला गया है कि पिताजी बोल दिए कि तुमको वनवास जाना पड़ेगा, वो प्रश्न नहीं उठाएगा, वो वनवास चला जाएगा, पर ये महाभारत के समय में नहीं हो सकता है, और अभी के समय में तो और भी नहीं हो सकता है। माई लाइफ इज माई लाइफ। तो अभी भी अवतार होते हैं, मुनि ऋषि होते हैं, वो भी आज के युग का धर्म को अनुसरण करते हुए फिर जो एक धार्मिक शासन में देश को चलाते हैं, है ना। तो ये एक अंतर है कि युग धर्म को समझना पड़ेगा, स्वभाव को समझना पड़ेगा, स्वधर्म को समझना पड़ेगा, उसके अनुगुण करना पड़ेगा काम। और जिससे शुरुआत हुई थी जो बात, उसमें मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। असहमत इसलिए हूँ कि मैं गीता के अपने वाक्यों को लेता हूँ, जैसे अर्जुन ने अपना क्षात्र धर्म भूला था या नहीं भूला था, चाहे वो क्षात्र धर्म को भूले या ब्रह्म धर्म को भूले या किसी भी धर्म को भूले, पर धर्म को तो भूला था, स्वधर्म को भूला था वो जरूर। इसीलिए श्री कृष्ण को बार बार कहना पड़ा कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष, अपने स्वधर्म को देखकर ही तुम्हें कर्म में लगना ही पड़ेगा। स्वधर्मम अपि चावेक्ष, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नहीं तो वो क्यों उसको याद दिलाते हैं कि तुम स्वधर्म भूल गए हो, स्वधर्म को देखो तो तुम्हें ये लगेगा कि नहीं मैं इस कर्म में, इस कर्म को मुझे करना पड़ेगा। इसने भूल गया था, इसका और एक प्रमाण स्वयं अर्जुन भी देता है अंत में, पहले भी देता है और अंत में देता है। पहले क्या देता है? पहले देता है कि कार्पण्य दोष उपहत, कि मैं इतना कार्पण्य दोष से प्रपीड़ित हूँ, प्रभावित हूँ, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सब मैं भूल गया हूँ, मेरे स्मृति में भी नहीं है। ये एक प्रमाण है। अंत में फिर वो खुद ही कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि जिस मोह में मैं फंस गया था, फंसकर अपने ही धर्म को भूल गया था, कर्म करना नहीं करना, किस प्रकार के कर्म करना, ये सब भूल गया था, जो मेरी स्मृति में नहीं थे, इस स्मृति को फिर मैं पा चुका हूँ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्य वचनम तब, अब आपकी बात मानूंगा, मतलब मैं आपके बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था, इतना भूल चुका था। और जो उसका मूलभूत जो दुविधा थी, पापमेव आश्रयद अस्मान हत्वेतान आततायन, कि इन आतताई को, ये तो अज्ञ है, आतताई है, ये समझते नहीं, ना समझ है, पर हम तो समझने वाले हैं ना, हम तो ज्ञानी हैं। ज्ञान की भी वो बात करता है, बड़ी बड़ी बात करता है, नहीं तो अच्छा अर्जुन ने जो तर्क दिया है वो तर्क कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता है, जिसको कुल धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसको युग धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसको जाति धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसको क्षात्र धर्म का ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार का तर्क किसे दे सकता है? उसको वो धर्म का ज्ञान है, बड़ी बड़ी बात भी करता है, फिर भी पाप क्या है, पाप क्या नहीं है, कर्म क्या है, कर्म क्या नहीं है, अपने हिसाब से, उसकी बुद्धि के हिसाब से एक कर्म की परिभाषा उसने बना दिया है कि यही कर्म है। तभी तो जाकर श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि तुम कैसे ऐसे कह सकते हो, किम कर्म किम अकर्म इति कवयोप्यत्र मोहिता। जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, त्रिकाल दृष्टा लोग हैं, मुनि ऋषि लोग हैं, जिन्होंने कर्म को परिभाषित किया है, वो भी मोहित हो जाते हैं कर्म और अकर्म क्या है,
तुम क्या बताते हो कि कर्म क्या है? अर्जुन के हिसाब से उसका अपना एक पैरामीटर है, अपनी एक सीमा भी है उसके, कि वो सीमित ज्ञान से वो बोल रहा है, वो सीमित ज्ञान की वजह से उसको लगता है कि ये पाप करना है, फिर भी वो समझता नहीं। देखो द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने उसको पहली बात क्या दिया, जो जो तर्क अर्जुन ने दिया था उसी के ऊपर, वो किसी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है श्री कृष्ण ने, किसी भी, क्या वो बता दें कुल धर्म के बारे में बताया श्री कृष्ण ने? नहीं बताया। पाप के बारे में बताया है? नहीं बताया है, क्योंकि उसकी समस्या कहीं और है, उसकी समस्या का जड़ कहीं और है। कहाँ है वो समस्या? समस्या उसकी चेतना में है, चेतना की जो नैरोनेस है, जो मीननेस है, उसी में है, और उसी को अर्जुन ने स्वयं भी प्रकट किया द्वितीय अध्याय में कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। ये कार्पण्य दोष क्या है? पूरी ह्यूमैनिटीज के जितनी भी क्राइसिस है, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का मूल कारण है कार्पण्य दोष। हमारे शास्त्र भी यही कहता है, श्री अरविंद भी यहीं से शुरू करते हैं कि कार्पण्य दोष से जब हम प्रभावित होते हैं तब हमारे सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने। जो समस्या नहीं है वो भी समस्या जैसी दिखती है। वो कार्पण्य दोष क्या है? वो कृपणता का भाव है, कार्पण्य का भाव है, एक कंजूसपन है। कंजूस कौन है? जो देना नहीं चाहता है, जिसका मुट्ठी बंद है, जो अपने आप में सिकुड़ कर रहता है, खुलना नहीं चाहता है, जिसमें खुलापन नहीं है, जिसकी चेतना खिली नहीं हुई है, फैली नहीं हुई है, वही कृपण है, वही कंजूस है। ऐसा नहीं कि जो दूसरों को कुछ पैसा वैसा नहीं देता, नहीं कर पाता है, तो वो जो अपने आप में रहता है सीमित होकर, वही दोषी है, कार्पण्य दोष है। ये कार्पण्य दोष से जब हम प्रभावित होते हैं तो हमारे समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिलता है, बल्कि जो समस्या नहीं है वो भी समस्या जैसी दिखती है। तो हम समस्याओं के भीतर ही उलझते हुए रह जाते हैं, हमको समाधान नहीं दिखता है। समस्या का अगर हम एक अंश बन जाते हैं तो समाधान हमें नहीं दिखेगा। मैं अगर इफ़ आई एम द पार्ट ऑफ द क्राउड, जो एक राइट होता है, कुछ होता है, इफ़ आई एम ए पार्ट ऑफ दैट, तो मुझे नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है, कौन किसके साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, वो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए कृष्ण उसको समझाते हैं कि अपने जो सीमितता है उसे ऊपर उठो, उदासीन वदासीन, मतलब ऊपर उठकर देखो, एक एरियल व्यू लो। ड्रोन से जो काम होता है, ड्रोन कैमरा से, वो ये नॉर्मल कैमरा से नहीं हो सकता है, ये उदासीनता है। उदासीनता का अर्थ नहीं कि उदास हो जाना, इंडिफरेंट हो जाना या फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, उदासीन का उत आसीन, ऊपर उठकर देखो, अपनी सीमित चेतना के ऊपर उठो, तब जाके समस्या का समाधान मिलेगा। तो ये था, ये एक मूल चीज है जो श्री कृष्ण बार 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 उसको कहते हैं। तो इसी से वो शुरू करते हैं, पर पहला जवाब जो देते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, क्या समझाते हैं पहले? एक तो है कि उसको सजग करा देते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ों को लेकर तुम कैसे, ये तुम्हारी चेतना में आई है, तुम्हारे जैसे वीर योद्धा है तो वो तुम्हारे अंदर क्लैव्य कैसे आ सकता है, तुम दुर्बल कैसे हो सकते हो? और जो दुर्बल होता है वो तो कभी आत्मा को पहचान नहीं पाएगा, ये दुर्बलता तुमको खा लेगी, तो पहले इसको हटाओ, इसको मिटाओ, ये सब बचपना है तुम्हारा, जो असली बात है वो सुनो। तुम्हारा उसका प्रॉब्लम क्या था कि इतने सारे लोगों को मार दूंगा मैं, सब मर जाएंगे, मृत्यु से उसको भय था, फिजिकल डेथ, ये भय सबको पकड़ा है। मतलब अर्जुन कौन है? अर्जुन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर ह्यूमैनिटी, हम सबके भीतर एक अर्जुन है, बैठा हुआ है। अर्जुन के मन में जो जो प्रश्न उठता है वही प्रश्न हमारे मन में भी उठता है, जो जो समस्याएं उनकी है तो वही समस्याओं से हम भी उलझते हुए जा रहे हैं, है ना। तो उसको फिर वो समाधान देते हैं पहले कि देखो मृत्यु कुछ नहीं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो पैदा होता है उसको एक ना एक दिन मरना ही है, और जो मरता है फिजिकली वो पैदा भी होगा, ये भी एक सच्चाई है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम नए नए कपड़ा हम पहनते हैं
तो इसी प्रकार जो आत्मा है वो नए नए शरीर धारण करता है। श्री अरविंद को किसने पूछा कि आप तो इमोर्टलाइजेशन ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, क्या आप खुद के जो बॉडी है, शरीर है, उसको इमोर्टलाइज करके इसी शरीर में रहोगे? श्री अरविंद ने क्या जवाब दिया? बोले कि इट्स सो बोरिंग, व्हेन आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज दिस बॉडी व्हाई शुड आई कंटिन्यू विद द सेम बॉडी, आई कैन टेक ए न्यू फॉर्म, न्यू टाइप ऑफ बॉडी एंड डू ए बेटर वर्क। ये सच्चाई है। तो ये जो मृत्यु भय उसको जकड़ के रखा था, जिससे उसकी सारी समस्या जुड़ी हुई है, पहले उस प्रश्न का समाधान दिया, और उस प्रश्न से तभी कोई, उस भय से तभी कोई उठ सकता है जिसके अंदर वो स्थिरता है। ये मृत्यु जन्म उसकी सत्यता समझाने के बाद फिर वो स्थित प्रज्ञता के बारे में बात करते हैं, समता के बारे में बात करते हैं, कर्म कुशलता के बारे में बात करते हैं। समस्या यही है कि जो भय है, और वो भय किस में पैदा हो सकता है? वो भय हमारे सीमित चेतना में ही पैदा हो सकती है। चेतना जितनी सीमित होती है उतने भय हमारे अंदर होता है। उसे जब हम खिलते हैं, खुलते हैं, विशाल बनते हैं, वो भय अपने आप मिट जाता है। तो इसकी ओर इशारा करते हुए उनको धीरे 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 धीरे, देखो पूरा ज्ञान देने के बाद भी उनको बुद्धि ज्ञान, बुद्धि योग, सांख्य योग, यही तो द्वितीय अध्याय का विषय है, वो सब समझाने के बाद भी फिर उसके मन में प्रश्न, यही प्रश्न आता है उल्टा करके, ज्यायसि चित्त कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, फिर ये घोर कर्म में क्यों मुझे नियोजित करते हो, ये तो घोर कर्म है। उसको एक ही प्रश्न जकड़ता है, सब मैं समझता हूँ पर ये कर्म जो है ये घोर कर्म है, ये हिंसात्मक कर्म है, इतना ब्लड शेड होएगा तो इससे तो मुझे कम से कम बचा लो, वो मत कराओ। फिर वो उसके फिर कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, उसका समन्वय क्या है, वो सब समझाते हैं। और एक समस्या जो है उस समय का, जो फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू था उस समय के, जैसे गीता में बहुत प्रकार योगों के बारे में बात करी, सांख्य की बात हुई है, वेदांत की बात हुई है, फिर योग की बात हुई है, योग, ठीक है, योग भी अपने आप में एक योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, और फिर वेदांत दर्शन है, ये सब स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं। तो ये सारे स्कूल्स जो होते हैं ये सब क्या है कि ये अपने आप में लिमिटेड है। श्री अरविंद ने बहुत सुंदर समझाया है उनके ईशोपनिषद की भाष्य करते हुए, वो बोलते हैं कि ये दर्शन जो है, जैसे सांख्य हो, योग हो, वेदांत हो, मीमांसा हो, ये सारे जो अलग अलग दर्शन हैं, ये दर्शन आए कहाँ से, बने कैसे, कि जो विशाल सत्य है, विशाल सत्य को रियलाइज करना तो इतना आसान नहीं है। जो विशाल रियलाइजेशन था वैदिक ऋषियों का, वो धीरे 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 नैरो डाउन होके एक एक दर्शन बन गया। सत्य का ये पक्ष नैरो डाउन हो गया तो ये सांख्य बन गया, उस पक्ष नैरो डाउन हो गया तो ये वेदांत बन गया, वो पक्ष नैरो डाउन हो गया तो ये न्याय बन गया, ये वैशेषिक बन गया, ये मीमांसा बन गया, ये सब नैरो डाउन कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए हर व्यक्ति जो है, हर दर्शन जो है, उनको जब पूछा जाता है कि इसका प्रमाण क्या है, वेदाह प्रमाणम, हर दर्शन में यही कहते हैं ना कि वेद ही प्रमाण है, मतलब वेद में जो व्यापक सत्य की जो वर्णन है, तो वो व्यापक सत्य को नैरो डाउन करके हमारे दर्शन बनाए हैं। जो नैरो डाउन हो गया वो सीमित चेतना में और भी दुविधा पैदा करेंगे। अर्जुन की समस्या ऐसा नहीं कि अर्जुन को सांख्य क्या है मालूम नहीं था, अर्जुन को वेदांत क्या है वो मालूम नहीं था, अर्जुन को योग क्या है मालूम नहीं था, न्याय वैशेषिक मीमांसा ये मालूम नहीं था, सब मालूम था, पर वो जो नैरोनेस की वजह से वो सीमित जो सत्य है वो सीमित सत्य को ही देखता था, इसलिए वो दुविधा पैदा हुई। उससे उसको ऊपर उठाते हैं, ज्ञान योग में उसको ऊपर उठाते हैं, उसकी चेतना उसको विराट रूप दिखाते हैं, बोले देखो कि ये चेतना जो, मैं भी मानव रूप में आया हूँ, श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन मेरी चेतना में मैं सबको समा लिया हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, मैं अगर विश्वरूप दिखा सकता हूँ तुम भी दिखा सकते हो।
क्योंकि सब ये पिंड में पूरा ब्रह्मांड समा हुआ है। मैं देख पाता हूँ, तुम नहीं देख पाते हो। जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देख पाते हो, पर तुम भी देख पाओगे। अवतार का तत्व यही है। अवतार इसी को, इसीलिए अवतार आते हैं कि मानव रूप में मानवीय रीति से वो उस सत्य का आविष्कार करके उस सत्य को जीते हैं जिस सत्य को जीना कभी पहले संभव नहीं हो पाया था। इसको इवोल्यूशनरी म्यूटेशंस कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो गति है, प्रगति की जो गति है वो रुक गई है, तो वो उसको गतिशील कराना, गतिमान कराना अवतारों का काम होता है, तब जाकर आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन की समस्या ये थी, वो रुकी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था, तो बार बार समझा समझा के और अंत में जब विश्वरूप दर्शन कराया तब जाके उसको लगा कि हाँ, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग करना तो है ना, ऐसे थोड़ी ना कृष्ण बोले, कोई भी बोले, कोई थोड़ी ना बिलीव कर लेगा इतने आसानी से, जब तक एकदम कम्प्लीटली ट्रस्ट एस्टेब्लिश नहीं होता है। विश्वरूप दर्शन के बाद वो पूरा उसमें उसका ट्रस्ट होता है कि अब जो कहेंगे वही करूँगा मैं। और वो अंत में ये भी कहता है कि आप काम डाउन हो जाओ, मैं तो देख नहीं पाऊँगा आपको, सौम्य रूप धारण कर लो। वो सौम्य रूप ठीक है, ये विराट रूप को मैं देख नहीं पाऊँगा, मुझे अभी भी भय लगता है उसको देखने में। फिर आगे चलकर उसको भक्ति के बारे में बताते हैं, वेदांत योग और सांख्य का एक समन्वय स्थापन करते हैं। अगर कोई पूछे तो गीता का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, गीता की टीचिंग का जो दो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट गीता ने दिया है वो है पुरुषोत्तम और पराप्रकृति। ये दो कॉन्सेप्ट इससे पहले था ही नहीं। सांख्य में पुरुष था, प्रकृति था, पराप्रकृति की बात नहीं हुई थी, पुरुषोत्तम की बात नहीं हुई थी। तो पुरुषोत्तम और पराप्रकृति को जोड़कर गीता में जो वेदांत नहीं कह पाया उसको कह डाला, पराप्रकृति के माध्यम से शक्ति के कॉन्सेप्ट को ले आए, समझ रहे हैं ना। तो ये जो योग वेदांत और सांख्य का एक समन्वयात्मक जो ज्ञान है, जो सिंथेसिस है, वो गीता है। इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और दुविधा जो है अर्जुन का वो इसी से ही पैदा हुई थी, क्योंकि एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है वहां पे प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम को ठीक कराया श्री कृष्ण ने, तब जाके जो ज्ञान दिया। फिर जो अष्टादश अध्याय है उसमें सारा का सारा जो विषय है पूरा गीता का, उसको फिर एक समरी रूप में दिया। अष्टादश अध्याय जो है वो पूरे के पूरे गीता का एक समरी है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में तो समरी देते हैं ना, समरी रूप में पूरा चीज को बता के फिर बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर ये नहीं हो पाता है तो तुम मेरे ही ऊपर छोड़ दो ना, तुम क्यों ले रहे हो। जैसे माताजी ने कहा, सारे भक्तों को कहा, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर डूइंग द साधना, यू डोंट हैव एनी कैपेबिलिटी टू डू साधना, जस्ट लीव इट टू मी, आई विल डू द साधना थ्रू यू। इट्स मदर्स योग, इट्स श्री अरविंदोस योग, दे आर डूइंग थ्रू अस वट वी नीड। वी हैव टू हैव दैट ओपननेस, कंप्लीट ओपननेस, देन दे विल डू देयर योग थ्रू अस, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचल। ये सबसे बड़ा टीचिंग है। ओके, थैंक यू। सो कविता का शीर्षक जैसे आप सबको पता है वो क्या अर्जुन का प्रश्न था जो गीता उत्तर में मिली। अर्जुन स्वधर्म भूल गया, अर्जुन स्वधर्म भूल गया अक्सर लोगों से सुनते हैं। क्षत्रियता सिखाना था लक्ष्य गीता का, कैसी बातें बुनते हैं। हाँ, तर्क वितर्क किए अर्जुन ने, हाँ तर्क वितर्क किए अर्जुन ने युद्ध में सम्मिलित न होने के। युक्ति कई उसने साधी घोर पाप के बीच न बोने के। पहला तर्क, अभिलाषा नहीं बोला अर्जुन, अभिलाषा नहीं बोला अर्जुन राज्य सुख और संपदा की। क्या भोग सकूंगा मैं ये जब भेंट दूंगा बंधुओं को आपदा की। That was his first argument. दूसरा तर्क, कौरव अचेत उन पर छाए धूमिल बादल हैं तृष्णा के।
कौरव अचेत उन पर छाए, धूमिल बादल हैं तृष्णा के, पर मैं चेतन क्यों करूं संहार, पर मैं चेतन क्यों करूं संहार, पूछूं सखा माधव श्री कृष्णा से। तीसरा वितर्क अर्जुन का था विकट घोर और अति दुर्जय, वर्ण संकर होगा कुल धर्म नाश, प्राप्ति क्या ऐसी विजय की। इन तर्कों में कहीं है गोचर विस्मरण क्षत्रिय धर्म का। अर्जुन सदैव था अनुयायी युग धर्म कुल धर्म और स्वधर्म का, क्षत्रिय धर्म न था विस्मित, क्षत्रिय धर्म न था विस्मित, अर्जुन की भ्रांति कुछ और थी। धर्म और अधर्म के बीच नहीं, बाधा अर्जुन की कुछ और थी। He didn't have an answer question between धर्म करूं या अधर्म करूं। Both the questions were धर्म for him. Fighting was a धर्म for him. It was a क्षत्रिय धर्म. And not fighting was a धर्म of compassion. तो दोनों धर्मों के बीच में, it was between two rights, not one right and one wrong. क्षत्रिय धर्म न था विस्मित, अर्जुन की भ्रांति कुछ और थी। धर्म और अधर्म के बीच नहीं, बाधा अर्जुन की कुछ और थी। दो धर्मों के बीच में जब चयन अर्जुन को करना पड़ा, तब सिर चकराया अर्जुन का, गांडीव धरा पर धरना पड़ा। एक और था धर्म क्षत्रिय का, एक और था धर्म क्षत्रिय का, दूजी ओर एक और धर्म, संहार से बचाने स्वकुल को, हृदय की पीड़ा का मर्म। वो क्या अर्जुन का प्रश्न था जो गीता उत्तर में मिली, महत्वपूर्ण पार्थ का प्रश्न था प्रत्यक्ष माधव से सुनी। अर्जुन बोला, नाउ दिस वाज दैट मोमेंटस क्वेश्चन, रक्त रंजित और घोर युद्ध में, रक्त रंजित और घोर युद्ध में अपनों का करूंगा संहार, रक्त रंजित और घोर युद्ध में अपनों का करूंगा संहार, फिर भी रहेंगे क्या कर्म मेरे, हे कृष्ण दिव्य और निष्पाप, विल माई कर्म स्टिल रिमेन डिवाइन एंड सिनलेस। दिस वॉज हिज मोमेंटस क्वेश्चन। श्री कृष्ण का उत्तर कितना सुंदर, सुनिए उसका अब कुछ सार। साधारण कर्मों को जोड़ दिव्यता से, जिसने अर्जुन को दिया तार। वेन वी टॉक दैट, जो भी कर रहे हो छोटे से छोटा कर्म, फॉर डू दैट टू सेकेंड मैजिक, ऑफर टू द डिवाइन, इन्वाइट द डिवाइन इन टू इट, तो ऑर्डिनरी कर्म भी दिव्य होने लगते हैं, बिकॉज वी ओपन द चैनल बिटवीन द डिविनिटी एंड आर आउटसाइड वर्ल्ड। श्री कृष्ण का उत्तर कितना सुंदर, सुनिए उसका अब कुछ सार। साधारण कर्मों को जोड़ दिव्यता से, जिसने अर्जुन को दिया तार। पहले तो माधव ने अर्जुन को, पहले तो माधव ने अर्जुन को फटकारा झकझोर दिया। जब अर्जुन बने शिष्य माधव के, तब योग के मार्ग से जोड़ दिया। शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कृष्ण बोले, पांडित्य की बातें तो की तूने, पांडित्य की बातें तो की तूने, एक उल्लेख न किया दिव्यता का। पांडित्य की बातें तो की तूने, एक उल्लेख न किया दिव्यता का। चिरंजीव अविनाशी अमर आत्मा तेरे भीतर बैठी प्रभुता का। तेरी वासना तेरा दंभ, योर डिजायर्स एंड योर ईगो, तेरी वासना तेरा दंभ, तेरी दुविधा के हैं कारण। मेरी शक्ति करती संहार पार्थ, मैं ही तो करता हूं पालन। तेरी वासना तेरा दंभ, तेरी दुविधा के हैं कारण। मेरी शक्ति करती संहार पार्थ, मैं ही तो करता हूं पालन। हर मानव के लिए प्रतिक्षण। नाउ मैच दीज लाइन्स विद द मदर्स वर्ड्स दैट यू रीड एवरी डे। हर मानव के लिए प्रतिक्षण, उत्तम संकल्प एक मेरा है। हर मानव के लिए प्रतिक्षण, उत्तम संकल्प एक मेरा है। उस संकल्प का बनना निमित्त मात्र, धर्म कूड़ा केश अब तेरा है। जब वासना रहित और दंभ रहित, धनंजय तू हो जाएगा।
संकल्पों और कर्मों में अपने तू प्रभु को आन बुलाएगा. इनवाइट मी इन एवरीथिंग यू डू. तब तब मेरे दिव्य संकल्पों का यंत्र मात्र बन जाएगा. तब मेरे दिव्य संकल्पों का यंत्र मात्र बन जाएगा. दिव्य पूर्ण और निष्पाप हर कर्म तेरा हो जाएगा. दिव्य डिवाइन पूर्ण परफेक्ट निष्पाप सिनलेस. तब मेरे दिव्य संकल्पों का यंत्र मात्र बन जाएगा. दिव्य पूर्ण और निष्पाप हर कर्म तेरा हो जाएगा. साधर्म्य मुक्ति की ओर अग्रसर परिवर्तित स्वभाव होगा तेरा. दिव्य कर्म प्रभावित हों प्रवाहित होंगे तुझसे. निमित्र मात्र होगा मेरा. फिर माधव को अर्पण कर फिर माधव को अर्पण कर. युद्ध में अर्जुन ने भाग लिया. जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हुआ. कर्म दिव्य हुए. पार्थ जाग गया. रणभूमि में मैं भी हूँ हे कृष्ण. रणभूमि में मैं भी हूँ हे कृष्ण. कायरता इसमें वर्जित है. रणभूमि में मैं भी हूँ हे कृष्ण. कायरता इसमें वर्जित है. मैं भी अर्जुन हूँ. अर्जुन की क्षमता मुझ में भी अर्जित है. बनूंगी ऐसा सहज धनुष बनूंगी ऐसा सहज धनुष. कृष्ण स्वयं भुजा में ले लेंगे. प्रत्यंचा जब जब तानेंगे. दिव्य संकल्प बाण लक्ष्य भेदेंगे. अब ये हम सब के लिए कहते हैं संग में. रणभूमि में हम सब हैं हे कृष्ण. रणभूमि में हम सब हैं हे कृष्ण. कायरता इसमें वर्जित है. हम सब अर्जुन हैं. अर्जुन की क्षमता हम सब में अर्जित है. बनेंगे ऐसा सहज धनुष. बोलो मेरे साथ. बनेंगे ऐसा सहज धनुष. कृष्ण स्वयं भुजा में ले लेंगे. प्रत्यंचा जब जब तानेंगे. दिव्य संकल्प बाण लक्ष्य भेदेंगे. तेरी थी तेरी हूँ तेरी ही रहूंगी हे प्रभु. तेरे कर का धनुष बन दर्शन करूंगी रूबरू. थैंक यू.